गंगा के किनारे मैं खड़ा हूँ, आप सीधे दिखाएं थोड़ा सा बाबू, वो देखें बाढ़, बाढ़ का पानी और यहाँ पे ये खेत मैं दिखा रहा हूँ, ये परवर की खेती है और यहाँ पे बालू की रेत में गंगा के किनारे ये खेतियाँ होती हैं। लेकिन अभी देखें तो किसान, अभी जो मैं दिखा पा रहा हूँ कि खेत के एकदम लगभग खेत से सट गया है पानी, बाढ़ का पानी खेत से पूरी तरीके से सट चुका है। और ये देखिए जो किसान है वो थोड़ा सा, बाबू सामने आ जाओ और बैग को जो दिखाओ, जो भी झोला है या सामान है लोग उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ के हो सकता है उसको मार्केट में ले जाए। लेकिन स्थितियां आगे भी देखें तो पूरी पूरी सब्जी है और ये सब्जियां अगर इसी तरीके से पानी का सैलाब बढ़ा तो जल्द ही खेत को भी अपने गिरफ्त में, अपने आगोश में समा लेगा गंगा का पानी। कुछ लोग हैं, मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? नारायण कुमार। नारायण भाई, क्या स्थिति है पानी की? पानी तो फिलहाल में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन चिंता हो रही है, हम किसान आदमी हैं भाई, सब डूब जाएगा जो बोए हैं, फसल बोए हैं। अगर हम ये कहें कि गंगा के किनारे जो गांव हैं बालू के रेत में खेतियां होती हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खेतों को लेकर दूसरे से खेती करते हैं, पेस्की जिसको कहते हैं, तो क्या क्या फसलें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे उगाई थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि पानी अगर हो इसी तरीके से तो सब खत्म? हाँ, ख़त्म हो जाएगा। देखिए इधर में सब परवल है, नेनुआ है, लौकी है, सब बोया, बैंगन वगैरह सब बोया गया है, सब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सब डूब रहा है। वही देखिए कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, ये जो लोग खड़े हैं ये इधर के ही हैं, सब बच्चे हैं जी, यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब पानी बढ़ेगा तो ये लोग भी कहीं गंतव्य स्थान पर, कहीं सुरक्षित ठिकाने ये ढूंढेंगे, यहाँ से इनका बुढ़िया बिस्तर बच जाएगा और अपने घर को छोड़ के ये लोग पलायन करेंगे, कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढेंगे। अगर थोड़ा मैं बगल में दिखाऊं तो उधर घर आपको दिखेंगे, लेकिन पानी देखिए तो घर के करीब है और थोड़ी सी दिक्कत भी है। और यहाँ से जब पानी बाढ़ का आता है तो विषैले सांप भी दिखते हैं, तो ये खतरे की घंटी है। गाजीपुर से पल पल की अपडेट के साथ मैं सुशील तिवारी, बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर मैं दिखाऊँगा बाढ़ की ये पूरी स्थिति। छूते बच्चे आप तो भेज रही है।